आ गया है। हाँ देखो हमाम काफ़ी खड़ोती है, पानी काफ़ी ज़्यादा आ गया, तो करेना शरेना इतने वाहवा ज़्यादा आ गई ने। रोड बचा नहीं असाएंगे क्योंकि उदो जल्दी आएगी, तो फिर तुम काम तो ना क्या आराम थोड़ा बहुत किया करो, कदे कदार है जरा कर लिया। वेलकम बैक जी तमाम बहन भाइयों जी, चले हो ना अगे क्योंकि ना पिछला ब्लॉग जो है काफ़ी लंबा हो गया मेरे ख्याल, बारिश हो रही साढ़े ले भी हो रही, लेकिन इतने दरिया के इलाके कुछ ज़्यादा ही बारिश हो रही, पानी सुकन का नाम ही नहीं है, रोड भी पीले ने बिल्कुल आ रहा सी। मैं रास्ते वेख्या है कि भाई हो रही जेड़े ने ना दांदा नाल ना समझो कि मुंजी ले बराबर कर रहे, तुम विखा दीए। हाँ देखो देखो यार साडा सब तो पुराना सिस्टम हैगा पंजाब का। हाँ देखो माशाल्लाह रोड़े छोड़े फेर है ताकि मुंजी सही लग जाए। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, ये गल्ला दा करम मैं वेख रहा मगर रोड़े छोड़े फेर रहे हो पुराने तरीके नाल, मगर रोड़े फेर रहे हो पुराने तरीके नाल, माशाल्लाह बड़ी गल है। चलने जी चलने जी, बाकी खैर क्योंकि जाना है इधर में अगो मुड़ के आया मैं कहीं बहन भाइयों शेयर कर दिए। चलिए हैं नहीं चढ़ना फिर झूड़े यार आ गया जी, तो घर आले घर ही नहीं है गए ने। चलो कोई नहीं चलने हैं, पहले उधर तेरी नानी लो लेने हैं क्योंकि तेरी अम्मी जी गई होनी है उधर काम घूमना है, तो उन्होंने फिर उधर काम लू ले लेने हैं फिर आ जाने हैं, सही है ना। चलने हैं जी जरा ना बेगम दी अम्मी जी आ गई तकरीबन सानू घंटा तो लेट करवाए इसे गलो असि नहीं आंदे दसो काम तो होंगे लेकिन वेखो तो ना क्या जुम्मे असाएंगे क्योंकि उदो जल्दी आएगी, तो फिर तुम काम तो ना क्या आराम थोड़ा बहुत किया करो, कदे कदार है जरा कर लिया। लेकिन कोई नहीं खैर हूं आए ने तकरीबन घंटा अस इतने बैठे रहेंगे, तो बहने थोड़ी देर फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। इधर जी आ गया फिर वापस क्योंकि जी हीरा की नानी आ गई है, तो असं आके चलो हम हीरा की नानी भी कर चलने, पहले बेगम की नानी ले गए थे तू हो गए हीरा नानी ले इतने क्योंकि चाबी जी अगर भुल गई है वो लैन आया, चाबी ले लें तो फिर चलने हैं क्योंकि उत्तर बूहे तो खलोते हैं पानी वेखो कि गलिए ओके, तो हम चलने एक मिनट मोड़ कट लें, मोड़ कट लैन दे चलने हाँ चाबी लैन दी खोल खोल दरवाजा पीटरी कौन लैन दे मैं बाद च लै आवे तकरीबन ना दस तो पहले आए थे इतने तो साढ़े तीन हो गए फोन जाके कि भी देंगी इन्ना जल्दी मैं नहीं करना क्योंकि जिन्नी जल्दी करना है उन्ना बहना पैना है, कर लेने हाँ कर पे हम दिल तकरीबन दस बजे तो पहले आए थे तो हम साढ़े तीन हो खलोते ने आखिरी बार हूं नहीं कद आना मैं इतने अगू तू भी बे भाई हूं नहीं आता मैं आखिरी बार है थोनू जी सब तो पहले अगू बह गए थे चल पापा चली गए क्यों हीरा चलिए चलें हाँ जी ओके। वैसे ना अज असि वाह वाह टाइम थोड़े को रहेगा मैं नहीं हूं तो बस सही लेकिन टाइम थी नहीं 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 अल्लाह थोड़ी जिंदगी करे इंशाल्लाह, लेकिन यह है कि घंटा अद्धा अज तो असं तकरीबन अठ नौ बजे को आया से या दस बजे नहीं नौ बजे को उदे बैठे रहे तुम फिर काम से आए तो चलो कोई नहीं खैर चंगा चलने हैं ओके अल्लाह हाफिज हाँ सा सही चक्कर तो लगता रहा सी हूँ चले जी शहर घरों घरों आ गया जा स्पीकर भी पता कर लें तो उस अलावा एक दो होर काम कुरान मजीद जो पता करना से किन्ने दे आवन के उस अलावा एक होर काम है वह भी पता कर लें छेती चलने फिर पता करके मुलाकात होगी इन शाला।
शहर चो हो लिया ते हुण चले आ वापस की चीज किने किने देखे क्योंकि वीडियो उन्होंने फिर क्या के नहीं नहीं बना दी ते कोई समान लिया भी है चलने आ समान तो घरे पहुंच के विखावांगे रश च आ गया इंशाल्लाह कि ठहर के फिर तुम दसने आ कि की चीज किने दी आ। असल च ना मौसम जेड़ा काफी खराब हो गया देखो बदल घने बदल बारिश आ रही जी साडे इलाके च होंदे आ उस तरह ना बदल बन गए तो साई वाले शहर च भी चलने रुकना तो मुनासिब नहीं है इसलिए चलने इंशाल्लाह दरिया रुके तो इंशाल्लाह भाई बहनों जरूर शेयर करांगे नहीं तो सीधा घरे पहुँच के क्योंकि ना मसला बन सकता है हीरा भी ना ले ते बारिश का भी कोई टाइम टेबल नहीं है किसी टाइम ही आ सकती है चलने जी खाली हो फैतरा ही निकल गया सारा पर ठट्ठा पे तकरीबन देख तो काफ़ी ज़्यादा रहेगा सच रेस्क्यू वाले भी कोल ही खलोते ने अगर रश बहुत ज़्यादा हैगा देखो पानी तो कंट्रोल किया जा रहा है पता होया कि नहीं लेकिन खैर जल्दी बहुत है चलने आगे देखो रश कितना है आवाम सेल्फी वगैरह ले रही है इधर तो खैर है कि लेकिन इस साइड पत्थर वगैरह लाया जा रहे हैं अगे वेखो ओए हो बड़ी पब्लिक हैगी आवाम वेखो है ना जिमें मगर मेला लगे काफ़ी ज़्यादा पानी आ गया हाँ वेखो आवाम काफ़ी खलोती है पानी काफ़ी ज़्यादा आ गया तो करेना शरेना इतने वाह वाह ज़्यादा आ गई ने रोड बचन तो ना ही कुछ चल मैं भी खलो के खीर वेखना पौना जी वह माहौल बनया खड़ा है हाँ वेखो कि करेना ने लाए जा रहे हैं जी बन अभी वेखो बिल्कुल नाल आ गया उधर एक इधर है एक इधर है लेकिन खैर चलने काफ़ी ट्रक छड़ के जा रहे हैं काफ़ी मशीन आई भी इन्हें वेखो थले तीन तकरीबन अठ करें लगी खो तीन मुख्तलिफ जगह से तीन आ खड़े एक बाहर खड़ी है तीन आ एक आ एक थले एक इस तो थले लगी खड़ोती है कि एक उतू चौक के थले दे रही है इस तरह आहिस्ता आहिस्ता लगी हुई काफ़ी चलने खैर वेखो ट्रक बजरिया तो परे हुए दूसरे ब्लॉग तुम विखाया सी लेकिन ना ट्रकों ट्रक खाली हो जाते हैं लेकिन जे ना पानी रुकन का ना ही नहीं लै रहा ना इधर बचा तो उधर ज़्यादा खराब है खैर चलने जी अलहमदुल्ला पहुँच आया तो हवा वेखो कि तेज़ चली हुई है काफ़ी तेज़ हवा चली हुई तो बदल वेखो बाबा बने शुक्र अलहमदुल्ला खैर सलामत घरे पहुँच आया हम चले उधर अबू और क्योंकि मोबाइल की बैटरी जी ना काफ़ी लोग मोबाइल चार ला लगा तो एक गल और दसा सी उ दसागा लेकिन इतने पहुँच आया दो चीज़ा लैके आया एक तो लैके आया 100 रुपए के सेब मैं क्या अम्मी बोरा वास्ते दूसरी शह यह है कि जो बच्चों लिए लैके आया जी टोपियाँ मस्जिद लिए तो बच्चा स्पैशल बच्चे वाली क्योंकि ना वो स्पैशल लैके आया कपड़े वाली वो तुम्हें विखावगा तो जो ना स्पीकर वो तो शहरों पता किया वो तो काफ़ी रेट ना महंगा कह रहे हैं महंगे तो इलावा भी ना गरंटी कोई नहीं आएगी इधर महंगे मतलब कि रेट ही मुनासिब आ लेकिन गरंटी शुदा वो भी 40,000 कह रहे हैं लेकिन कहते पैं 6 महीने की गरंटी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है इधर कह रहे हैं लाइफ टाइम खराब होया तो मैं जिम्मेवार हाँ मैं ठीक करांगा तो इस करके इतने जो अपने शहरों बंदा उन्होंने ये तो कह सकता कि यार खराब हो गया आ जा सही वालों ना दोबारा गल ही नहीं सुननी इस करके बाकी खैर चलने आके गलबात होंगी है कि पहले मैं उधर होके बोरा था ना पता करके आना वेलकम बैक जी क्या हो गया तुम दसा गया तो सारा गिला हो गया हूँ तो फिर भी थोड़ा सो गया हीरा का वेखो की हाल है तो हूँ तो स्टीकर स्टीका लगे भी नहीं हीरा ये किले अच्छा केले का उतल स्टीका लगे होने गिल बचा बना चढ़िया चलो बस आओ तो चलो है और कोई काम कौन तकरीबन गरूब होने वाला है तो जो ना उधर सावरे तुम पता है काफ़ी टाइम लग गया तकरीबन 9-10 बजे गया तो उधरों 3:30 बजे निकलिया वा घर आंद आंद 4-5 बज गए क्योंकि मोटरसाइकिल काफ़ी स्लो 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 चला के लिया है बजा भी तो बंद हो जाता है थोड़ी देर दे ना वीत उत्ते तो बंद हो जाता है इस करके बाकी खैर जे ना स्पीकर वाला जो पता किया गया जुमा आ गया इतों वाला बाई हो रही तो बंद इन्होंने मैं क्यों इन्होंने को सिर्फ उत्तों जाके इन्फॉर्मेशन लैनी है
अच्छा तो तुम्हें क्या सी याद आ गया टोपियां वगैरह विखावन का तो तुम विखा दिना आ जी है ने टोपियां हाँ वेखो आ भी एक लैके आया वा मैं के बच्चे तकसीम करांगे अच्छियां जेड़ियां ने एक अच्छियां नहीं बहुत ही अच्छियां ने मेरे ख्याल से बाकी अपनी अपनी सोच की गल आ कॉमेंट्स लाजमी कर जाए भी लैके आया मैं बच्चे तकसीम करांगे तो जिड़िया उत्थे रखनियां दूसरिया लै आनियां गए भी बच्चे ने परमानेंट जो पढ़ते हैं उन्होंने वास्ते आ जी कटानी सी सिम क्योंकि काफ़ी दिन हो गया नहीं कटवाई हैगी इस करके क्योंकि एको कॉन्टैक्ट नंबर आ गया तो वैसे सिम की जरूरत आएगी कॉल वगैरह वास्ते तो घरे फैमिली कोई नंबर वगैरह कोई नहीं आ गया तो परेशानी जेडे न खत्म हुई क्योंकि बंदा तुम्हें दसाया गया कि सौ मसला मसायल हों घरों बहर हों तो कॉल करके कह दिता कि चाय वगैरह रोटी वगैरह कोई चीज़ बनवानी हो या सौ मसला मसायल हों बंदा रात तक घरे रहा ना इसलिए सिम जी ना कटवा के लैके आया गया जी गरूब हो गया तकरीबन तो जी तुम्हें दसिया सी परेशानी सी काफ़ी ज़्यादा बनी हुई वो कुरान मजीद जेडी ना अलमारियाँ तो दरवाजा स्टोर का दरवाज़ा काफ़ी परेशानी बनी है लेकिन शुक्र अलहमदुल्ला अल्लाह का लख लख शुक्र हैगा वह परेशानी खत्म हो गई क्योंकि ना एक माँ जी ने पैसे भेजे कि मस्जिद इन्होंने दो चीज़ों वास्ते अल्लाह पाक उन्होंने दिता कबूलो मंजूर फरमाए सारिश के जिस माँ ने भेजे मस्जिद लिए पैसे अल्लाह पाक उन्होंने सेहत देवे उन्होंने उन्हें तमाम परेशानियाँ दूर करे तो उन्हें तमाम मुश्किल आसान करे तो तमाम भैन भाई दुआ करे उन्होंने भी तो जिस भैन भाई ने मस्जिद एक इट तो लैके जिन्ना कुदे को बनया सरिया कि जिन्ना को उन्हें लाया अल्लाह पाक सब दिया परेशानियां दूर करे तो सब दे नेक दिली ख्वाहिशां पूरियां करे तो सब जे मतलब जिन्ना दा माँ प्यो जिंदा है अल्लाह पाक उन्होंने लंबी जिंदगी देवे जिन्ना दे जा चुके अल्लाह पाक उन्होंने सबर देवे तो उन्होंने माँ प्यो नूं जन्नत फिरदौस च आला मुकाम अता फरमाए तो इंशाल्लाह अगर कोई गलती हुई होवे तो दिली तौर पर माजरत इंशाल्लाह क्योंकि ना मैनू इन्नी हकीकत बात में सारे यूट्यूब फैमिली अगू क्योंकि तुसीं एक फैमिली हो मेरे मदद करना क्योंकि मेरे इन्ना तजर्बा नहीं है ठीक है इन्नी सोच नहीं अगर कोई गलती होए दिली तौर पर माजरत माफ़ी क्योंकि मैंने थले कॉमेंट से दस चलिया करो जी तो गलती हो मैं इंशाल्लाह कोशिश करा दुरुस्त करा दे बाकी आदि ब्लॉग करने ते खत्म अच्छा लगे सब्सक्राइब लाजमी करे जे अपना ढेर सारा ख्याल रखा जे दुआवां याद रखा जे अल्लाह हाफिज़।